हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल लर्न योर आइडियोलॉजी एंड स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पोजीशनिंग ऑफ KUP, यानी जो रेडियोग्राफी का KUP। KUP एक्सरे हम कैसे करते हैं, उनके लिए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो KUP होता है वो किया जाता है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर के लिए। तो जो इस KUP के रेडियोग्राफी में हम जो एनाटॉमी पढ़ेंगे वो हम किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर का एक छोटा सा एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो जो किडनी होती है, हमारी किडनी की बात करते हैं तो किडनी जो होती है हमारी T12 टू L3 वर्टिब्री के लेवल पे प्रेजेंट होती है। अगर इनकी साइजेस की बात करते हैं तो इनकी जो लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर की होती है, ब्रेथ होती है 6 सेंटीमीटर की, और थिकनेस जो होती है इनके थिक होती है 4 सेंटीमीटर की। इनके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो दो पोल्स होते हैं किडनी के, दो सर्फेसेस होते हैं, दो बॉर्डर्स होते हैं। ये दिखाया जा रहा है, ये हमारी जो किडनी है लेफ्ट वाली, लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी, यहाँ से हमारी जो यूरेटर निकली है, यहाँ तक आई है हमारी यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये दिखाया जा रहा है, एक किडनी का हमने एक किडनी है, यहाँ से देख रहे होंगे ये हमारी यूरेटर आ रही है, हाँ ये हमारी कॉर्टेक्स मेडुला रिनल कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स वगैरह ये प्रेजेंट है। ये इनके अंदर देख रहे हैं डायग्राम में, अपने फोन से दिखा रखा है, दीज आर द कॉर्टेक्स। ईच किडनी में हमारे 1 मिलियन के अप्रॉक्स नेफ्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट। इनका फंक्शन ये होता है कि मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन कुछ मटेरियल्स जो होते हैं उनका सिक्रीशन होता है। यूरेटर की बात करते हैं, यूरेटर क्या होता है, यूरेटर एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि किडनी से निकल के ब्लैडर तक जाता है। इसका काम क्या होता है, प्रोपेल यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, यूरिन से क्या करता है, यूरिन को लेता है और ब्लैडर तक पहुंचाता है। एडल्ट के यूरेटर की अगर बात करें तो 25 से 3 सेंटीमीटर का होता है, डायमीटर 3 से 4 मिलीमीटर का होता है। ये डायग्राम है हमारी किडनी से आ रही है हमारी यूरेटर और यहाँ पे ब्लैडर में जा रही है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेटर से कनेक्ट होता है और उसके आगे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर हमारी यहाँ यूरेटर कनेक्ट होती है और नीचे हमारा यूरेथ्रा होता है। जो एम्प्टी ब्लैडर होता है वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है, जब वो डिस्टेंडेड हो जाता है तो वाइट शेप का होता है। इनके तीनों पार्ट होते हैं, एपेक्स, बेस, नेक। सरफेस जो होता है सुपीरियर और इन्फेरोलेटरल होता है, बॉर्डर्स होता है एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल बॉर्डर्स होते हैं इनके। यूरिनरी ब्लैडर की और बात करें तो जो आर्टेरियल सप्लाई है इनमें इंटरनल इलियक एंड अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू होता है, एंड ग्लूटियल आर्टरी के थ्रू भी होता है, सुपीरियर वेजाइकल, यूट्राइन एंड वजाइनल आर्टरी इन फीमेल्स, फीमेल के केस में यूट्राइन एंड वजाइनल आर्टरी के थ्रू उनका होता है आर्टेरियल सप्लाई। हम वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो वेनस प्लेक्सेस एंड इंटरनल इलियक वेन के थ्रू होता है। जो हमारी KUP रेडियोग्राफी करने का जो पर्पस है, मीन्स इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो किडनी का हमें आउटलाइन देखने के लिए करते हैं। लेटरल बॉर्डर ऑफ सॉस मसल, जो हमारी जो सॉस मसल्स होती है, यहाँ पे जो मसल्स होती है ये दोनों साइड में जो सॉस मसल बोलते हैं इन्हें, इनका जो लेटरल बॉर्डर्स होता है इनको देखने के लिए किया जाता है। रेडियो ओपेक कैलकुलस होता है या फिर स्टोन्स जो होते हैं वो देखने के लिए किया जाता है। कहीं भी हो सकते हैं, किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में। कैल्सिफिकेशन है कोई तो उनके लिए किया जाता है, किसी भी तरीके का यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर गैस का प्रेजेंस हो रहा है तो उसके लिए हमें फिर करते हैं देखने के लिए। इसमें कंट्राइंडिकेशन की अगर हम बात करें तो पेशेंट प्रेगनेंट पेशेंट हो सकता है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट कोई भी हो तो उस कंडीशन में हम एक्सरे हम नहीं करेंगे। पेशेंट अगर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स है तो उनमें हम नहीं करेंगे। पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं तो पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए पेशेंट को लो रेसिड्यू डाइट पर रखेंगे, लैक्सेप्टिव देंगे, इमरजेंसी केस में कोई प्रिपरेशन नहीं होगा, 10 डेज रूल फॉलो करेंगे। पेशेंट हमारे पास आएगा तो उसके प्रीवियस हिस्ट्री लेने के बाद उसको हॉस्पिटल गाउन देंगे, और पेशेंट को रीजन ऑफ इंटरेस्ट से मेटालिक चीजें रिमूव करने को हम के लिए हम एडवाइस देंगे, वो मेटालिक चीजें रिमूव करेगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट से हॉस्पिटल के द्वारा दिया हुआ गाउन चेंज करके वो पहनेगा चेंजिंग रूम में जाके। उसके बाद हम उसे सारी प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, उसे एश्योरिटी देंगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, पेशेंट से जो भी पहले से जो प्रॉब्लम चल रही है वो सारी चीज़ें लेंगे। पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम इसका एक्सरे करने के लिए हम शुरू करेंगे।
टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें हम हाई एमए और शॉर्टर एक्सपोजर टाइम का यूज करेंगे। एक्सपोजर जो होता है लिया जाता है एलिस्टेटिस एक्सपिरेशन पे। एक नोडल सीट यूज करेंगे। दो इमेज दिए गए हैं, एक यूवी की इमेज है और दूसरा एब्डोमिन की इमेज है। दोनों में देख पा रहे होंगे कितना डिफरेंस है। एक इमेज में हमारी पूरी ब्लैडर, यहाँ से पूरी ब्लैडर आ रही है, इसमें देख रहे होंगे ब्लैडर भी आ रही है बट नीचे से कट रही है इमेज। एक्सपोजर दोनों का अलग अलग है, देख पा रहे होंगे दोनों का एक्सपोजर अलग अलग है। एक्सपोजर टेक के यू बी ए पी किस तरीके से करते हैं, जो हमारा जो पेशेंट होगा, पेशेंट के पोजीशन की बात करें तो जो हमारी जो पेशेंट होगा, पेशेंट को हम एक्स रेडियोग्राफिक टेबल पे एक से या फिर एक्स रे टेबल पे सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे और पेशेंट का जो हाथ होगा या इधर अपवर्ड रखेंगे हम, नहीं तो थोड़े हाथ से फैला कर रखेंगे। फिर घुटने के अंदर एक फोम पैड देंगे, जिससे क्या होगा कि पेशेंट का लोडोटी कर्वेचर कम हो जाएगा। पैरों को सीधा करके पेशेंट को बिल्कुल मिड करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट्स पोजीशन करने में हैंड शुड बी अवे फ्रॉम द ट्रंक, यानी जो हमारे जो ट्रंक है उससे अवे हो, मतलब दूर रखेंगे तो ऊपर रख देंगे, ऊपर यानी सर के पास, सर के नीचे। कैसेट जो होगा हमारी 14-17 की, इसमें हम बड़ी वाली कैसेट, जिसमें हम बड़ी कैसेट करते हैं 14-17 साइज की कैसेट हम यूज करेंगे, ताकि एनफ लार्ज एनफ टू कवर द रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो सेंट्रल रे की बात करते हैं, तो सेंट्रल रे जो हम डायरेक्ट करेंगे लोअर कॉस्टल मार्जिन के ऊपर 90 डिग्री हम प्रोजेक्ट कर देंगे सेंट्रल रे। जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि सेंट्रल रे जो हमारी लोअर कॉस्टल मार्जिन पे प्रोजेक्ट किया गया है। जब हम इस तरीके की हमें एक्सरे देखने को मिलेगी, उसमें इसमें हमारी किडनी की शैडो दिखेगी, श्वास मसल्स बिल्कुल अच्छे से दिखेगा, पेबिक सिम्फाइसिस दिखेगा। एवेल्यूशन क्राइटेरिया की बात करें तो किडनी का शैडो एंड पेबिक सिम्फाइसिस शुड बी इंक्लूडेड, नो रोटेशन। पीए ऑब्लिक की बात करें या फिर राइट ऑब्लिक जो कहते हैं हम, तो पेशेंट सुपाइन में लेटेगा, पेशेंट को एक साइड टेबल पे, पेशेंट को मिड से जाइटल करने के बाद हम लेफ्ट साइड रेज करेंगे पेशेंट का अंटिल कोरोनल प्लेन इज एट एंड 15-20 डिग्री कोरोनल प्लेन अंटिल पहुंच ना जाए। नी को कॉन्टेक्ट करेंगे, नीज कॉन्टेक्ट विद टेबल इज फ्लेक्स्ड एंड फ्रेज्ड एंड गिव सपोर्ट अंदर द नी। नी के अंदर हमको एक सपोर्ट देंगे, जैसे पेशेंट हमारा सुपाइन में लेट के देख रहे हैं, हल्का सा हमने पेशेंट को कर दिया है टर्न। सेंट्रल रे जो देंगे लोअर कॉस्टल मार्जिन पर, हम सेंट्रल रे देंगे जिस तरीके से हमने एपी में दिया, सेम उसी तरीके से देंगे यहाँ पर भी। के यू बी लैटरल की बात करें तो पेशेंट जो होगा हमारा लैटरल पोजीशन में लेटेगा, जो हाथ होगा उसका ऊपर की तरफ करके लेटेगा, यानी हिप और नी होगा जो फ्लैक्स होंगे, स्टेबिलिटी के लिए हिप और नी को हम फ्लैक्स कर देंगे। मिस राइटल प्लेन इज पैरेलल टू द टेबल एंड पेशेंट को हम इम्बोलाइज करेंगे, देख सकते हैं किस तरीके से हमारा पेशेंट लैटरली में लेटा हुआ है, इनका पैर हमने थोड़ा सा फ्लैक्स किया है कि स्टेबल हो सके पेशेंट। पेशेंट हाथ ऊपर रखा है क्योंकि रीजन ऑफ इंटरेस्ट पर अगर पेशेंट हाथ रखेगा तो उसके हाथ की भी शैडो आएगी। लोअर कॉस्टल मार्जिन पे, हाँ हमारा लोअर कॉस्टल मार्जिन है, इस कॉस्टल मार्जिन पे हम एक्सरे हमें देंगे। यूरिनरी ब्लैडर एपी 15 डिग्री कॉर्डल की अगर बात करें तो पेशेंट जो होगा सुपाइन में हमारा एक्सरे टेबल पे लेटेगा, देन मिड से जाकर प्लेन को सेंट्रल करेंगे, पेशेंट को मिड से जाकर प्लेन करके टेबल पे सेंटर करेंगे बिल्कुल बीचों बीच। कैसेट को लगाएंगे एंड 5 डिग्री नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस पेशेंट को मुलाज करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से कैसेट को हमने क्या किया, इसका नीचे प्लेस कर दिया 15 डिग्री कॉर्डल एंगल देके क्या करेंगे 2.5 सेंटीमीटर प्यूबिक सिम्फाइसिस से ऊपर, यहाँ हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस से ऊपर 2.5 सेंटीमीटर ऊपर हमने कॉर्डल प्रोजेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमें डायग्राम देखने को इमेजेज हमें मिलेगा, कुछ हमने इमेज यहाँ पे ऐड किए हैं देख सकते हैं। देन पोस्टीरियर ऑब्लिक की बात करें हम, पोस्टीरियर ऑब्लिक क्या करेंगे, पेशेंट हमारे सुपाइन पोजीशन में होगा, वन साइड मिड से जाइटल पेशेंट को करके वन साइड पेशेंट अप और रेज होगा, नी इन कॉन्टेक्ट विद पेशेंट फ्लेक्स्ड फॉर स्टेबिलिटी एंड रेडियो ओपेक पैड अपर बॉर्डर कैसेट लेवल ऑफ असिस। ये पेशेंट को हम, पहले पेशेंट को हमने सुपाइन में हिटाया, हमने क्या किया लेफ्ट साइड अप कर दिया पेशेंट का 35-40 डिग्री तक, हाथ को हमने ऊपर रखवा दिया क्योंकि रीजन ऑफ इंटरेस्ट में ना आए हाथ, पैर को हमने फ्लेक्स कर दिया दोनों नी को 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर हमने सेंट्रल लेफ्ट प्रोजेक्ट कर दी। इस तरीके से हमें इमेजेस देखने को मिले, ये हमारी एपी इमेजेस है, हमारी ऑब्लिक इमेजेस है। तो इस तरीके से हमने कुछ इमेजेस लगाए हैं के यू बी के, देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए एक गायरो से भी दिखाया गया है, किडनी के डायग्राम दिखाए, यहाँ भी एक डायग्राम है देखिए किडनी के। तो इस तरीके से
हमें डायग्राम देखने को मिलते हैं। ये कुछ डायग्राम है, कमेंट करेंगे वीडियो पे हमारे, चैनल को लाइक करेंगे, चैनल वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। यहाँ तक अगर आपने चैनल मेरा वीडियो देखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे ताकि नए नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।